Good morning, students. Hope you all are doing good at your end. So, as you know that series चल रही है जिसमें हम cash flow statement के questions कर रहे हैं with adjustment वाले. तो हमने last video में कई adjustment के question किए हैं. वैसे ही हम और adjustment के question कर लेते हैं. और इससे ज़्यादा कोई भी और adjustment आपको इसके बाहर नहीं आएगी. यही adjustment आती हैं. इन videos को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसी से related question करिएगा. ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि इतनी adjustment आती हैं तो वन और टू एडजस्टमेंट आती हैं, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है. सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. अमाउंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. इसमें हम सबसे पहले, आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एज पर स्टेटमेंट लिखते हैं. वो हमें मिलता है लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के. जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि मुझे देखना किधर है. मीन्स पूरी बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में. सबसे पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढेंगे. येलो में आपको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस है. इसके आगे लिखा हुआ बच्चे नोट नंबर 1. तो आप नीचे जाएंगे और नोट नंबर 1 में देखेंगे. नोट नंबर 1 में आपको दो आइटम दे रखे हैं, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप सबसे पहले ये वाला आइटम देखेंगे, सरप्लस वाला, जिसमें आप 1,68,000 है और 2,04,000 है. इसको आपस में माइनस करेंगे, ये आपका रियल प्रॉफिट आएगा जो है आपका 36,000. इसके बाद इसमें आप अमाउंट डालना शुरू करेंगे. सबसे पहले आएगा जो इसी के ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज़ जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व आप देख रहे हैं पहले 9 लाख था, अब 9,30,000 है. क्यों है? क्योंकि आपने कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा. तो आज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इसमें ऐड हो जाएगा. ट्रांसफर किया था मींस माइनस किया था, यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे. उसके बाद हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक लिखने के बाद नीचे आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500. प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 27,000. ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000 एंड द प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये प्रॉफिट है कितने का? भाई 30,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने 36,000 में बेची है, या 24,000 की इन्वेस्टमेंट, इसमें एक बच्चे एक जीरो कम रहेगी, 24,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने 25,500 में बेची है. तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है एंड ये इंटरिम डिविडेंड है जो सीधा सीधा ऐड हो जाता है. और मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स हो या प्रोपोज डिविडेंड हो, आप सबसे पहले चेक करेंगे कहीं अकाउंट तो नहीं है. तो यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स. तो आप क्या करेंगे, ये मेरा तरीका है, आपको जोन से भी तरीका बेस्ट है वो आप कर सकते हैं. सबसे पहले आप इंटरिम डिविडेंड जो दे रखा है वो फटाफट से यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिकॉज ये फाइनेंसिंग का आइटम है. उसके बाद आपको दे रखा था यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स. तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये, इसका हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज बिना अकाउंट के हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. प्रोविजन, बिकॉज ये सब रफ वर्क है, हमारा वर्किंग नोट है. तो डेबिट क्रेडिट ऐसे ही लिख देंगे आप पर्टिकुलर अमाउंट, हम डेट वगैरह एलएफ का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे. और जो प्रोविजंस होते हैं बच्चे, उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैलेंस बीडी उतार लेंगे, ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, दैट शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन. देखिए ध्यान से, ये देखिए ये दिया हुआ है 2,25,000 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, है ना. तो 2,25,000 यहाँ आ गया और जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा, बैलेंस सीधी 30,000 रुपये. उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमने किया है 27,000 रुपये. तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लगा देंगे 27,000 रुपये और जो दोनों का टोटल करेंगे आ जाएगा 2,52,000 और ये वाली साइड आपकी बैलेंस आ जाएगा 2,22,000. अगर अगर आप लोगों का यहाँ पे बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कि आपने और प्रोविजन लगाया है. भाई प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर क्रेडिट में यहाँ पे कुछ लिखोगे तब लिखा जाता है ना, जब हमें कोई और प्रोविजन लगाना हो. अब मान लीजिए ये वाली साइड आ रही है, अगर इससे जस्ट लास्ट वाली वीडियो में ये वाली साइड का बैलेंस था और ये वाली वीडियो में ये वाली साइड का, और यहाँ पे कभी आएगा तो इसका मतलब है प्रोविजन कम हो गया है. कम कब होगा? जब हम पे कर देंगे.
तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बैंक, 2,22,000 हमने पे किया है। ये आप थोड़ा सा फिगर ध्यान रखिए, 2,22,000 कहाँ आएगा और 27,000 कहाँ आएगा। ये जो 27,000 है ये हमेशा आपका प्रोविजन में ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो टैक्स वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा ऑपरेटिंग में, वो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ जाएगा। फिर हमारे कुछ आइटम है जो ऐड होने हैं, आइटम टू बी एडेड। सबसे पहले हम देख लेंगे कौन कौन से आइटम ऐड होने हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट है जो बेची थी, और हमारे पास है ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। और हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है 9,60,000 की लास्ट में और 12,00,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो कुछ बेचा होगा या खरीदा होगा, हमें फिक्स्ड एसेट से मतलब है क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। आपको कई जगह अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ऑब्वियसली ये एसेट है तो इसका जो बैलेंस होगा वो बीडी आपका डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस बीडी आ गया, ये है 12,00,000 रुपये, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा यहाँ पे बैलेंस सीडी 9,60,000 रुपये। उसमें बोला है कोई मशीन हमने बेची है, कोई मशीन हमने बेची है उसका ट्रीटमेंट हमें यहीं पे करना पड़ेगा। देखिए मशीन दोबारा सुन लीजिए, जो भी मशीन का आपकी जितनी कॉस्ट थी जितने में बेची है वो लिखेंगे। आपने बेची 36,000 में तो यहाँ पे आएगा 36,000 रुपये, ठीक है। 30,000 की मशीन 36,000 में बेची तो आपको आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा यहाँ आता है और लॉस होता है तो वो हमारा जो दूसरी साइड आता है। उसके बाद हमने इसका टोटल कर लिया, ये हो गया 12,06,000, और यहाँ पे भी तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस है हमारी मशीन कम हुई है, कम हुई है तो दो चीज़ें होंगी, या तो डेप्रिसिएशन लगा होगा या बेची होगी। बेचने वाली तो आपको पता ही है 36,000 की बेची है, तो यानी कि बचा हुआ क्या है डेप्रिसिएशन। और अगर ये वाली साइड में आता है तो हमारा क्या है परचेज है। सो 2,10,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। तो यही वाला डेप्रिसिएशन आपने ऊपर लगा देना है 2,10,000 रुपये। उसके बाद जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट होता है बच्चे, वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई लॉस होता है तो ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने लॉस को माइनस किया होगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो प्रॉफिट है वो हमने ऐड किया होगा इसलिए हम माइनस करते हैं, क्योंकि हम उल्टा उल्टा करें। तो इन्वेस्टमेंट देखिए ये 24,000 है, 24,000 की इन्वेस्टमेंट में 25,500 में बेची, 10 इसमें फालतू है इसे हटा दीजिए, तो 1,500 रुपये हमारा प्रॉफिट है ये। प्लस में जो फिक्स एसेट थी जो 30,000 की थी वो हमने 36,000 में बेची है, तो ये 6,000 भी प्रॉफिट है। ये दोनों के दोनों प्रॉफिट हमारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में हम लेते हैं लेस डिक्रीज, एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटी के आगे कोई नोट भी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्वियसली ये कम हो रही है, कम हो रही है तो हम इसको माइनस करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट पे, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हम इसमें। इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट नोट कर लीजिए, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाके ऐड होती है। इन्वेंट्रीज देख लीजिए, इन्वेंट्रीज कितनी बढ़ गई है, सॉरी ये कम हो गई, इसमें भी 10 फालतू है। एंड ट्रेड रिसीवेबल ये बढ़ गए हैं, सॉरी 63,00,000, 30,000 ज़रूर इसमें 10 फालतू है। चलिए देखते हैं, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल आया हमारा 7,35,000, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी तो मैंने आपको बताया था माइनस कर देंगे। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री हमारी 90,000, इसमें 10 फालतू है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी ये। देर इज सम मिस प्रिंटिंग, ठीक है, ये इस मिस्टेक है बच्चे, इसको इग्नोर करें, आपके क्वेश्चन में पेपर में ऐसा होगा, नहीं 90,000 आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप एड डिक्रीज और इंक्रीज तो आप देख ही लेंगे, तो इट्स नॉट अ डैट मच बिग इशू। इसमें मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि करेक्ट करने पर ये नहीं होगा। ऑलराइट,
इसमें देर इज़ सम मिस्टेक, यू कैन इग्नोर बिकॉज इट्स अ माइनर थिंग कि आप इंक्रीज और डिक्रीज ऐड करते हैं. बेसिकली जो ऊपर वाली चीज़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चा कर लेता है. ये जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है ये हर बच्चा कर लेता है, बट ये जो ऊपर के आइटम है इसको करने में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है. इसके बाद जब हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम आ जाएगा ये माइनस में आएगा, इसमें जो लेस टैक्स पे है, अगर आपको याद है तो हमने जब अभी अकाउंट बनाया था उसमें 2,22,000 आया था ना, वो यहाँ आएगा. मीन्स प्रोविजन हमेशा यहाँ आता है क्योंकि हम प्रोविजन माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और एक्चुअल जो टैक्स पे करते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं. एंड देन वी विल हैव कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब आप ये सोचोगे मैडम ये तो माइनस में है तो हम कैसे इसमें टैक्स पे कर सकते हैं. भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस में आ रही हैं. राइट, नाउ लेट्स मूव टू बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. तो इन्वेस्टमेंट हमने सेल की थी 25,500, वो हम यहाँ लिखेंगे. फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल की थी 36,000 में, पूरा एग्जैक्ट अमाउंट लिखेंगे, ये नहीं प्रॉफिट और लॉस की कोई बात ही नहीं है. इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का हम एक अकाउंट बनाएंगे बिकॉज हम हर एक का अकाउंट बनाते हैं ऐसे करने से पहले. तो इन्वेस्टमेंट है हमारी असेट है, उसका भी जो बैलेंस होगा बच्चे वो हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस होगा, है ना. तो यहाँ पे बैलेंस बीडी आ गया इसके बाद, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी, 150 और 180, दैट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन. ये देख लीजिए, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारे पे क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है, ये 63,30,000 नहीं होगा, ये कोई और ही फिगर होगा. ड्यू टू रिकॉर्डिंग देर इज इशू विद दीज चेंजेस, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, मतलब बीच में ना, क्योंकि ये वीडियो पॉज हो जाएगी. राइट, और बुक भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है सो दैट आई कैन चेंज, बट द क्वेश्चन इज़ करेक्ट, आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर. और प्लस माइनस है बच्चे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज डिक्रीज तो आपको पता है बढ़ा है या कम हुआ है, फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे. राइट, तो प्लीज़ इग्नोर दी माइनर इशूज़. उसके बाद हमारा ये है, और हमने बेची कितने में थी आपको पता है, 25,500 में. तो ऑब्वियसली ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस निकाल लीजिए 2,05,000, और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉस होता तो यहाँ आता है, प्रॉफिट है तो यहाँ 1,500 का प्रॉफिट आने के बाद ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे आएगी. इन्वेस्टमेंट है, डेबिट इसका बैलेंस होता है, तो यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, उसका मतलब आपने खरीदी है, इसको बोलेंगे परचेज. बढ़ेगी तो तभी ना जब आप खरीदोगे. सो यहाँ पे आप फिगर आउट कर देंगे दैट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप यहाँ पे इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हर एक एक्टिविटी बच्चे 2 नंबर की होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ऑपरेटिंग नहीं आती तो आप बाकी की भी छोड़ दें. अगर बाकी की आपसे निकल रही है, आपसे सॉल्यूशन हो रहा है, देन उसको आप कर लीजिए. राइट, और इसके लिए हम हमेशा शेयर कैपिटल में देखते हैं. शेयर कैपिटल में देखिए दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो छोड़ दीजिए. इसके बाद देखिए ये 8,10,000 का मैंने लोन लिया है. अब देखो शुरू में लोन नहीं था, ये लोन हमारा एंड में है. अगर शुरू में लोन होता तो इंटरेस्ट भी लगता, क्योंकि शुरू में लोन नहीं है, हमने एंड में है, तो मान के चलते हैं. एवरी टाइम आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने जो लोन लिया है वो बिल्कुल 31 मार्च को लिया है. मान लीजिए 6 महीने पहले लिया होता तो वो मेंशन होता, मेंशन नहीं है तो हम लास्ट में मानेंगे. तो आपका ये बड़ा है, बड़ा क्यों है, बिकॉज आपने परचेज लोन लिया है. तो 8,10,000 रुपये आप लिख देंगे, और जो आपने डिविडेंड ऊपर माइनस किया था इंटरिम डिविडेंड वो यहाँ की एक्टिविटी, तो वो माइनस कर देंगे. देन यू विल हैव 6,90,000, एंड उसके बाद आप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, देन नेट इंक्रीज आपकी 1,44,000 आ जाएगी. उसके बाद आप करेंगे ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दी ओपनिंग. तो ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए कितना है, 4,30,000. बट मैंने आपको बोला जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन दोनों को हमेशा ऐड करेंगे, यानी कि 70,000 और 4,30,000 कितना हो गया, 4,47,000. इसी तरीके से लास्ट में आपका आ जाना चाहिए 21,000 प्लस 5,70,000, यानी कि 5,91,000. तो हमने इसमें ऐड किया 1,44,000 में 4,47,000, तो ये आ जाएगा आपका 5,95,000, विच इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड. बस इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होने हैं. एक बार मैं आपको रिकैप्चुलाइज करा लेती हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस के बाद
हम सबसे पहले नीचे आएंगे, इसमें जो नोट नंबर है, अगर नोट नंबर है तो वो नोट करेंगे, सरप्लस है तो माइनस कर दीजिए, उसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद नीचे अगर हमारे को इंटरिम डिविडेंड है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है और हमें ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो अकाउंट बनेगा, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो या तो पेड आएगी या प्रोविजन आएगा। यहाँ पे आपको प्रोविजन कभी मेंशन होगा कभी नहीं, तो जो प्रोविजन है वो ऐड हो जाता है और जो पेड वाला है वो लास्ट में माइनस हो जाता है। जो जो भी आपको दिए हुए, जैसे इन्वेस्टमेंट दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, इनके आप अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। ये प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट पे बेची है तो आप प्रॉफिट हमेशा माइनस कर देंगे, राइट। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वो भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, वो भी आपका एडबैक हो जाएगा। और डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आपकी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स निकल जाएगी, जिसमें आप करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को छोड़ देंगे, बिकॉज आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना चुके हैं और उसको आप कंसिडर कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा आप देख लेंगे, कोई आपने लोन वगैरह ले रखा है जिसपे इंटरेस्ट है, अगर आपका लोन शुरू से है तो उसका इंटरेस्ट है पहले ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और बाद में फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको नहीं पता आपने लोन कब लिया है, तो एज्यूम किया जाएगा कि आपने लोन 31 मार्च को लिया है। और इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक थी बस इस वाले आइटम के अंदर, तो प्लीज़ इग्नोर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। बट ये आपके क्वेश्चन बुक में बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन, यहाँ पे शायद लिखते समय उससे मिस्टेक हो गई है। बाकी आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिक्रीज है कि इंक्रीज है, वो सिंपल है, वो आप प्लस माइनस कर लेंगे। एंड उसके बाद आप निकालेंगे अपना इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में जितनी भी सेल हुई है वो लिख देंगे और जितनी परचेज हुई है, जो आपकी सब अकाउंट बनाने से निकलेगा आपको। और फाइनेंसिंग में एक ही आइटम था बस ये, और डिविडेंड। अगर मान लीजिए ये जो 10% मॉर्गेज लोन है या डिवेंचर्स है उस पर इंटरेस्ट होता है तो वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। जैसे जो डिविडेंड करते हैं ऊपर ऐड करते हैं नीचे माइनस करते हैं, ऐसे इंटरेस्ट को लोन करते हैं ऊपर ऐड करते हैं नीचे माइनस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होगा, इसको हम एज अ करंट एसेट ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 447 माना है, ना कि 430,000 माना है जो क्वेश्चन में गिवन है। सो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एंड अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर सकते हैं कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इस मतलब मैक्सिमम इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती है, बट घूम फिर के आपकी यही एडजस्टमेंट होती है। होप आपको समझ में आएगा। एंड ऑल द बेस्ट, आप करिए, फिर हम आगे रिविजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।